जय हिंद सभी को। मंचस्थ अतिथि गण एवं विद्वत सदन को मेरा नमस्कार। आवर्तों का है विषम जाल, आवर्तों का है विषम जाल, निरुपाय बुद्धि चकराती है, सोशल मीडिया यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है, सभ्यता डूबने जाती है। विद्वत सदन का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी। 1960 में एर्पोनेट द्वारा सोशल नेटवर्क को अस्तित्व में लाया गया, लेकिन पलक झपकते ही 1990 में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, 1995 में G8 समूह का गठन किया गया, जिनकी उत्पत्ति का मूल एजेंडा ही था साइबर अपराध के खिलाफ ठोस कदम उठाना। ऐसे में इस शंका का उठना स्वाभाविक हो जाता है कि महज 30 वर्षों की अवधि में वे कौन से ऐसे प्रकरण रहे होंगे जिन्होंने ऐसे ठोस कदमों की उत्पत्ति कर दी। क्या सोशल मीडिया वाकई सोशल है? अब शंका निर्मूल तो नहीं होती। आईटी एक्ट 2000 के तहत भारतवर्ष में 2017 में 28,461, 2015 में 58,162 साइबर अपराध दर्ज किए गए, यानी एक केस प्रति 10 मिनट, जिसका कारण स्पष्ट है, सोशल नेटवर्क के कारण एंटी सोशल होते युवा। माननीय मंच, भारतवर्ष में जून जुलाई 2018 में हुई 27 मौतें, जिनका कारण स्पष्ट था, मॉब लिंचिंग को न्योता देती सोशल मैसेजिंग ऐप पर वायरल अफवाह। जहां रात विक्रम लैंडर की खोज की अफरा तफरी में बिताते हैं, वही लोग सुबह होते ही सबसे ज्यादा लाइक्स दिलाने वाले स्क्रीन नेम्स शॉर्टलिस्ट करते हैं। खाना भगवान को नहीं, स्टेटस अपडेट को भोग लगता है। हैशटैग्स तक सिमट कर रह गई है जिंदगी, विश्वास का पर्याय स्क्रीनशॉट बन चुका है। हम उनको ब्लू टिक दिलवाते हैं जिनकी उस विषय में कोई विशेषता ही नहीं है। फिजिकल फिटनेस का भूत तो हम सबके सर पर सवार है, पर मेंटल हेल्थ हमारे सहन से ही बाहर है। सोशल मीडिया पर लाइव है, फिर चाहे हमारे ही सामने जा रही किसी की जान है। माननीय मंच, सोशल मीडिया के इस दुरुपयोग को देख बस इतना कहना चाहूंगी, ये सोशल मीडिया नहीं रे साथी, निष्ठुर जिन्न खड़ा है। इसे बनाया जिस मनुष्य ने, उसका ही यह शत्रु बड़ा है। छीन लिया है माया ममता, मौलिकता खो गई कहीं है। अभिनेताओं की आदतों का पालन करते करते सिसक रही व्यक्तित्वता खड़ी है, सिसक रही व्यक्तित्वता खड़ी है। धन्यवाद। धन्यवाद मानसी देशमुख जी का। मानसी जी, सम्मान की प्रक्रिया के लिए, और इस बीच मैं अनुरोध करूंगा साहस जी से कि समय को बचाते हुए माइक तक पहुंचे। आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध ये है कि आप प्रतिक्रिया के लिए केवल दो हथेलियों का प्रयोग करें, माइक जिनके आगे लगाए उन्हीं को होठों का प्रयोग करने दीजिए। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి।